डिफेंडिंग चैंपियन होने वाले इस वर्ल्ड कप से बाहर, क्या इंडिया लगाने वाली अपनी जीत का छक्का, क्या इंग्लैंड करने वाला है वापसी इस वर्ल्ड कप में, क्या कुछ रहेगी इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और क्या रहेगा लखनऊ की इस पिच का मिजाज, इन सब बातों पर करेंगे चर्चा इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। जल्दी से बात कर लेते हैं आज के बेहतरीन मैच की, जो कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जहां इंडिया दोस्तों ने 5 में से 5 मैच जीत के आ रही है, वही इंग्लैंड जो है दोस्तों 5 में से 4 मैच हार के आ रही है और लगभग इंग्लैंड का कैंपेन जो है दोस्तों ख़त्म होने की राह पे है। अगर इंग्लैंड आपको अभी वापसी करनी है तो उसको अपने बचे हुए सारे मैच जीतने हैं, जो कि थोड़े मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि सामने उसके इंडिया है और इंडिया अभी तक जीत गई है, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच की, तो ये मैच खेला जाना है लखनऊ के बेहतरीन ग्राउंड में। हमें अभी तक 3 मैच में है दोस्तों, वहीं 3 में से 2 बार वो टीम जीती है जिसने चेस किया और एक बार वो टीम जीती है जिसने डिफेंड किया है, और वो थी साउथ अफ्रीका। वहीं ही दोस्तों बात कर लेते हैं इस पिच की, तो ये पिच एक बार फिर से रन बरसाती हुई दिखने वाली है। दोनों ही तरफ जबरदस्त हीटर है, वो अलग बात है कि इंग्लैंड के बैट्समैन जो है दोस्तों फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। वहीं इंडिया की बल्लेबाज जो है दोस्तों फॉर्म में है, तो उनके लिए कोई भी मुश्किल होने नहीं वाली है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की टीम दोस्तों जबरदस्त फॉर्म में चल रही है, तो उसमें तो आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। वहीं इंग्लैंड की दोस्तों अगर बात करें तो कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में चल नहीं रहा है। जहाँ ओपनिंग की बात करें तो दर्शन मरान वो चल के नहीं दे रहे हैं, वहीं मिडिल ऑर्डर में जो रूट ने फिर से निराश किया है, और उसके बाद कप्तान जोस बटलर भी चल के नहीं दे रहे हैं, तो बहुत समस्याएं हैं इंग्लैंड की इस टीम में। वही गेंदबाजी तो पहले से ही समस्या थी और वो इस वर्ल्ड कप में भी दिखी है, जहाँ गेंदबाज कुछ भी करने में असमर्थ हैं, विकेट लेने में असमर्थ हैं। जब सैम कंग को मौका मिला था, क्रिस वोक्स को मौका मिला है, बिली को मौका मिला था, कोई भी अच्छा करके नहीं खेला है। क्रिस टोपली ने अच्छी गेंदबाजी करी थी पर वो भी इंजर्ड हो गए हैं, तो उनके लिए खेला थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं आदिल रशीद अच्छा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं स्पिन ट्रैक का, मोहिन अली को लास्ट मैच में मौका मिला था पर वो भी कुछ अच्छा कर नहीं पाए, तो इंग्लैंड के लिए दोस्तों बात करें तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। वहीं इंडिया की तरफ सारी प्लेयर फॉर्म में है, रोहित शर्मा गिल कोहली तो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि इंग्लैंड की इस मैच में उनका 49वां शतक हमें देखने को मिले। वही दोस्तों बात करते हैं इस मैच के रिजल्ट की, तो मुझे लगता है दोस्तों कल इस मैच में मेरी जो योजना है वो ये हो जाएगी, जो चेस करने वाली है जो भी टीम अभी चेस करेगी उसके ज़्यादा चांसेस हैं, पर इंग्लैंड की जो मेरी फॉर्म चल रही है उसमें लगता है कि इंग्लैंड दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है उनके लिए। मैं तो इस मैच में जो मेरी फेवरेट है वो इंडिया है, और मुझे लगता है इंडिया कल जीतने वाली भी है। आप भी कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों आपको क्या लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाचा।